साथियों आदाब। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की छठी जमात के लिए अपनी जबान का सबक नंबर 8, गांधी जी। तो सबसे पहले इसके अल्फाज मानी देख लेते हैं। इश्तियाक, शौक, तलब, आरजू बराना, मुराद पूरी होना। अचकन शेरवानी जैसा एक लिबास, देसी अपने देश का, इजाफा बढ़ना बढ़ाना, कहकहा जोर की हंसी। मुत्तहिद कई, एक से ज्यादा। वक्फा खाली वक्त, मोहलत फुर्सत। मकामात मकाम की जमा, जगह। टाट जूट का बना हुआ कपड़ा। तरस आना रहम आना, इमदाद मदद की जमा। तजवीज तदबीर राय सोच। धर्मशाला मुसाफिरों के ठहरने की जगह। बर्दाश्त सहना आश्रम पनाह की जगह। फर्ज करना वक्ती तौर पर मान लेना। नेक चलनी अच्छा चाल चलन अच्छी आदत। कवायद कायदे की जमा। उसूल दस्तूर कायदा कानून। उन्स मोहब्बत प्यार लगाओ। मानूस जाना पहचाना। तंग आना परेशान हो जाना। हक्का बक्का रह जाना हैरान रह जाना। और ये दो चार हो रहे हैं। शलू का एक कुर्ता जो सीने से कमर तक का होता है, पेवबंद किसी फटे हुए कपड़े में दूसरे कपड़े का जोड़। तहरीक किसी काम के लिए आमादा करना, किसी काम का शुरू करना। इनकिसार आजिजी खाकसारी, खुद को मामूली और कमतर समझना। आइंदा आने वाला वक्त। तो इस सबक का खुलासा है, यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। हामिदुल्ला अफसर गांधी जी के बारे में लिखता है कि 1921 में गांधी जी मेरे वतन मेरठ तशरीफ लाए। मैंने उनसे मुलाकात की, मगर अचकन की तरफ इशारा करते हुए गांधी जी ने कहा, देसी अचकन क्यों नहीं पहनते? मैंने अर्ज किया, मैं तीन चार देसी चीजें इस्तेमाल करता हूँ, जैसे देसी आम, देसी पान, देसी आलू और देसी शक्कर, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने हंसते हुए कहा, देसी कपड़ा भी पहनना शुरू कर दो। उसके बाद मैंने देसी कपड़ा पहनने लगा। उसके बाद मैंने कई बार गांधी जी से मिला। 1945 में गांधी जी मसूरी के बिरला हाउस में मिले। मसूरी में इन दिनों हर साल की तरह इस साल भी लद्दाखी मजदूर काम करने आए हुए थे। उनमें से ज्यादातर गरीब मुसलमान थे। उनके पास फटे फटे झाके और पेवन लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ न था। रात को सोने के लिए टाट का बोरिया ही उनका लिहाफ और गद्दा था। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बहुत तरस आया। गांधी जी ने उनके लिए एक धर्मशाला बनवाने की बात सोची। मेरे इसरार पर उस इमारत का नाम गरीब खाना रखा गया, मगर यह इमारत न बन सकी। गांधी जी के आश्रम में एक नौजवान रोजाना झाड़ू दिया करता था। एक मर्तबा वो आश्रम के एक मरीज के लिए लीमू लाया। 8 साल बच्ची लीमू के लिए जिद करने लगी तो उसने झूठ मूठ लीमू को साबरमती नदी में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। बाद में मरीज के पास जाकर जब वे लीमू उसकी जेब से गिरा तो बच्ची ने देख लिया। उसने इस बात को गांधी जी से शिकायत की। गांधी जी ने जवान को बुलाया और सारा वाकया पूछा। नौजवान ने सारा वाकया सुनाया और कहा कि ये सब मजाक था। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए नौजवान को हिदायत दी कि आइंदा बच्चों से मजाक में भी झूठ ना बोले। अब इसके बाद सवाल जवाब है इस सबक के। गांधी जी कहाँ तशरीफ ले गए? गांधी जी मेरठ तशरीफ ले गए। गांधी जी ने अचकन की तरफ करके क्या इशारा फरमाया? गांधी जी ने अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया, देसी क्यों नहीं पहनते? गांधी जी कह कहा क्यों लगाया? जब हामिद अफसर ने कहा कि मैं देसी आम, देसी पान, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, ये सुनकर गांधी जी बड़े जोर से कहकहा लगाया। गांधी जी मसूरी में जाकर किस जगह ठहरे हुए थे? गांधी जी मसूरी के पहाड़ बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। लद्दाखी मजदूर गर्मी के मौसम में मसूरी किस लिए आते थे?
लद्दाखी मजदूर हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी आते थे। लद्दाखी मजदूर पर गांधी जी को क्यों तरस आया? लद्दाखी मजदूर बेचारे बहुत गरीब थे। उनके बदन पर फटे हुए कपड़े और पेवबंद लगे हुए कपड़ों के सिवा कुछ न था। रात के वक्त टाट का बोरा ही उनका लिहाफ और गद्दा होता था। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को तरस आया। गरीब खाना किस घर को कहा जाता है? गरीब खाना अपने घर को मुखलिस इनकिसारी की वजह से कहते हैं, वरना गरीब खाना मानी गरीब के घर के सिवा कुछ नहीं। दूसरों के घर की को दौलत खाना कहा जाता है। सत्याग्रह आश्रम में किन कवायद की पाबंदी होती थी? सत्याग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई की कवायद की पाबंदी होती थी। बच्ची को नौजवान क्या वाकया धोखा देना चाहता था? नौजवान बच्ची को धोखा नहीं देना चाहता था। उसने ये सब कुछ मजाक में किया था, क्योंकि लीमू मरीज के लिए लाया था। अब इसके बाद आप देख सकते हैं खाली जगहें हैं, और ये आप देख के भर सकते हैं। उसके बाद वाहिद जमा है, वाहिद जमा ख्याल, ख्यालात मौका, मवाक़े मौका, इमारत इमारतें, मकामात मकाम, तरकीब तराकीब, तजावीज़ तजवीज़, इत्तिफाक इत्तिफाकात। तो ये सिंगुलर प्लूरल है। इसके नीचे हैं जुमलों में इस्तेमाल करो, जैसा कि आप जानते हैं तालिब इल्म का ज़माना बहुत अच्छा होता है। इसके बाद ये दो चार और हैं अल्फाज मानी और सॉरी जुमले, वतन मौका इजाफा खिदमत तामीर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, आपको कोई परेशानी है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।